सीनियर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। पीने तक आवाज आ रहा है? मील ऑर्डर सब लोग समोसा और फ्रूटी दोनों पी चुके राइट? किसी के अंदर नहीं, जो लोग नहीं किए थोड़ा देर के बाद करेंगे राइट। अभी अभी आप लोग को मोटा मोटी आई थिंक 80-90% एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि आप लोग किस लिए आए हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या प्रोग्राम नहीं है, करेक्ट। एक बार सभी को ब्रीफ भी करेंगे लास्ट में। मैडम ने सारा कुछ आपको समझाया, सर ने आपको सारा कुछ समझा ही दिया, जो अगर कुछ बच रहा होगा वो कुछ हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। इससे पहले जब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हो चुका है, उससे पहले हम लोग चलते थोड़ा सा ड्रोन के ब्रीफिंग के बारे में। जैसा मैम ने कहा, सारे पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्ट जो हम लोग को दिख रहा है, पहले तो वो चीज की बातें करेंगे जो हमारे पास विजिबल है। तो जो ये जो चीज है, कुछ लोग इसको बोलते हैं पंखी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपेलर बोलते हैं इसको एविएशन के भाषा में। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेलर। और इसको बोलते हैं हम लोग मोटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोटर। इसको क्या बोलते हैं? मोटर। इसमें जो आपको ये पूरा एकदम ये लंबा सा एल साइड इधर से, एल साइड इधर से, या फिर कह लो एक्स शेप में कह लो, ये जो दिख रहा है, इस सबको बोलते हैं हम लोग एयर फ्रेम। क्या बोलते हैं? एयर फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और ये लोग जो है चार, एक दो तीन और चार, ये चार जो इसको बोलते हैं हम लोग लैंडिंग गियर्स। क्या बोलते हैं? लैंडिंग गियर्स। अब उसके बाद बात करते हैं, ये जो हमारा ट्रे बना हुआ, ये डिलीवरी के लिए ट्रे नहीं बनाया हुआ, इसमें कहीं फ्यूल टैंक नहीं है। इसके लिए फ्यूल क्या होता है हमारे पास? बैटरी। उसके लिए कौन सा होता है फ्यूल टैंक हमारे पास? बैटरी। तो ये जो ड्रोन का जो फ्यूल टैंक होता है हमारे पास, ये वाला बैटरी है। इस बैटरी को हम लोग बोलते हैं लिपो बैटरी। कौन सा बैटरी? लिपो बैटरी। लिपो बैटरी का मतलब होता है लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी। कौन सा बैटरी? लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी, करेक्ट। अब लिपो बैटरी क्या होता है, हमारे और आपके घर के जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है ना घर में, वो एक साइड वगैरह वाला, उससे भी काफी ज्यादा महंगा आता है। छोटी सी बैटरी 8-10 हजार रुपए की कीमत की आती है राइट। ये रिचार्जेबल है तो इसीलिए भी महंगा है, ठीक है। जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन इंडिया में हो जाएगा स्टार्ट, बड़े पैमाना पे होगा, धीरे धीरे इसका भी क्या होगा, प्राइस ड्रॉप होगा। तो इसके लिए फ्यूल कहीं पे बाहर नहीं डालना है, ये आपके एसी लेके ये क्या काम करेगा, इसके लिए फ्यूल का काम करेगा। अब रही बात, कुछ लोग ये कह रहा है ड्रोन कितना देर तक फ्लाई कर सकता है, आया ना, ये ड्रोन तब तक फ्लाई करेगा जितना लीटर इसमें आप तेल डाल दोगे। इसका मतलब जितना देर इस बैटरी का कैपेसिटी को फ्लाई करवाने का उतना देर ही हो सकता है। अगर इस बैटरी की कैपेसिटी अगर 24 घंटा फ्लाई करने का, तो ड्रोन हमारा कितना देर फ्लाई करेगा? 24 घंटा। अगर इस बैटरी की कैपेसिटी 10 मिनट है तो कितना देर फ्लाई करेगा? 10 मिनट। और वैसे इसका बैटरी का कैपेसिटी 35 मिनट है, तो आपका ड्रोन फ्लाई एक टाइम में कितना देर तक आप कर सकते हो? 35 मिनट तक कर सकते हैं राइट। अब इसके बाद आए जो इंटरनल, इसका कुछ जो आप लोग पार्ट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ से जो हर मोटर को, इस मोटर में जब देखेंगे ड्रोन में, तो ड्रोन का जो एक चीज होता है जिसको बोलते हैं लोग ESC, एक पार्ट होता है। ESC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, स्पीड कंट्रोलर से नाम क्या सेंस हो रहा है, स्पीड को कंट्रोल करने वाला। अब ड्रोन में दो ही चीज स्पीड लगेगा, एक या तो मोटर का स्पीड होगा या तो ड्रोन का स्पीड होगा। हम आप तो नहीं भागेंगे, तो हमारा स्पीड का इसमें कहीं कोई खेल नहीं है राइट। एक होगा मोटर का स्पीड और दूसरा होगा ड्रोन का स्पीड। अब तीसरा एक जो ब्रेक लगता है ESC के फंक्शन से, उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं उसको? अब डायनेमिक ब्रेकिंग देखो कैसे इसमें काम करता है। जैसे हमको बोल दिया जाए कि एकदम सर आप तेजी से भागो, फास्ट करो, हम भाग रहे सीधा बोले दाएं, तो ये जो कुछ सेकंड के लिए जो पॉज आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं उसको? आप इस ड्रोन को पूरा कमांड दे के पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तुरंत बोलते राइट जाओ, तो एक सेकंड के लिए जो कमांड इसमें जो पॉज लेगा अपने आपको, दैट ब्रेकिंग नोन एज डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक मैकेनिकल लीकेज है, जस्ट लाइक हम लोग पहले जो साइकिल में लोग लगाते थे वो जो टॉर्च वगैरह जो लगाना होता है डायनेमो लगा देते राइट। तो जितना ज्यादा साइकिल फास्ट मूव होगा उतना ज्यादा टॉर्च का रोशनी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। अभी भी जो बाइक वगैरह जो स्प्लेंडर वगैरह है वो डायनेमो फंक्शन पे ही काम करता है, जितना ज्यादा आपका स्पीड होगा उतना अच्छा लाइट मिलता है। और बजाज का पल्सर वगैरह ले लो, उसका लाइट क्या होता है? फिक्स होता है, आया ना, जो लोग बाइक चलाते हैं उसको कंसेप्ट को समझ रहा होगा। तो सेम थिंग इज ऑल्सो लाइक अ डायनेमिक ब्रेकिंग, कोई डाउट इसमें? तो जितने हमारे पास मोटर होते हैं उतने हमारे पास ESC होता है, करेक्ट। अब ESC के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे ये हमारा बैटरी कनेक्शन पॉइंट है। बैटरी को जैसे ही कनेक्ट करोगे, ठीक है, अब इसके अंदर होता है ये मॉड्यूल, ठीक है। अब इस मॉड्यूल को जब खोलेंगे, मेरे पास अलग पिक है, जब आप लोग आएंगे क्लास में तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट को फैमिलियराइज करवाएंगे, ठीक है, कि हर एक पार्ट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आज से 10 साल पहले का बात ले लें, हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था घर में, था या नहीं था? उसके लिए हम लोग घर में क्या लगाते थे? स्टेबलाइजर। आज भी जमाना याद होगा, अगर वोल्टेज कम है तो तुरंत स्टेबलाइजर से वोल्टेज काफी तेज कर दिए, आया ना, और अगर कम और ज्यादा हो गया तो तुरंत उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते। सेम थिंग इसको है, अगर ये ड्रोन अगर हवा में, और ये बैटरी अगर मान लो इसमें 25 वोल्ट का ये मान लो हमारे पास बैटरी है, 25.2 वोल्ट का मान लो, ये 10 वोल्ट का बैटरी है XYZ, ठीक है। अब 10 वोल्ट का ये बैटरी अगर यहाँ पे अगर कोई स्टेबलाइजर नहीं होगा तो ये पूरा आउटपुट 10 वोल्ट कहाँ दे देगा? चारों मोटर पे दे देगा, आया ना।
अगर हम कह रहे हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट हम दो रोटी खाते हैं और आपके घर पे गया हमें पांच रोटी दे दी, हम तो खाएंगे दो ही रोटी, तीन रोटी कहाँ जाएगा, वो वेस्टेज आया ना। तो सेम थिंग इसके लिए क्या करता है, स्टेबलाइजर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पावर मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? अब पावर मॉड्यूल का क्या काम है कि जितना वोल्टेज वो मांगेगा उतना वोल्टेज वो क्या करेगा, सप्लाई कर देगा, और बाद बाकी वोल्टेज कहाँ रहेगा इसके पास, इसमें बचा हुआ रहेगा। जाहिर सी बात है अगर एक लीटर की बात करें, अगर हम लोग अगर जितना ज्यादा बाइक का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो जितना ज्यादा तेज चलाते हैं उतना जल्दी तेल खपत होता है ना, एक एवरेज इकोनॉमी आता है लड़का आप लोग समझ रहे हो राइट। तो इकोनॉमी मोड पे क्या होता है, हमारा 55-60 किलोमीटर का माइलेज देता है स्प्लेंडर वगैरह, और उसको सिर्फ क्या करो गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो, कम से कम 24 घंटा एक लीटर पे जिंदा रहेगा, हाँ है ना। द सेम थिंग इज आल्सो विद हैपनिंग विद दिस, ऐसा नहीं अगर इस टूल को अगर हम ऑपरेट करते तब तो हमारे 35 मिनट चलेगा, और इसको बस उड़ा के हवा में बस छोड़ दे होवर कर दे तो हो सकता है 45 मिनट 50 मिनट 55 मिनट भी चल जाए, डिपेंडिंग अपन ऑन दिस थिंग्स। बात बात में उसके अंदर बहुत सारा पार्ट्स है, जैसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे हम जो कमांड देते हैं इसको बोलते हैं आगे जाओ पीछे जाओ दाएं जाओ बाएं जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, है ना। ये सारा कंट्रोल कौन रिसीव करता है, फ्लाइट कंट्रोलर, कौन करता है, फ्लाइट कंट्रोलर उसको मैनेज करके सारे कमांड को एक्टिवेट करता है। जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है वो ब्रेन ऑफ द ड्रोन माना जाता है, क्या माना जाता है, ब्रेन ऑफ ड्रोन। अब इसमें जो क्या बात है कि कुछ लोग बोलते हैं आर्डोकॉप्टर उसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पिक्सॉक बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उसको डीजीआई नाजा बोलते हैं, ठीक है। इसको ये तीनों चीजों का जो टेक्निकल नेम है वो है आपका फ्लाइट कंट्रोलर, और ये जो पिक्सॉक है चाहे आर्डोकॉप्टर है चाहे डीजीआई नाजा है, ये सब क्या है, ब्रांडेड कंपनी है उसकी जो उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। जस्ट लाइक अगर लाइव एग्जांपल देखे, जो मिट्टी उठाने वाला एक होता है ना किरान, जिसको बोलते हैं जेसीबी, है ना, तो जेसीबी कंपनी का नाम है, और वो जो उसका जो नाम है उसका टेक्निकल नेम कुछ और ही है, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है जेसीबी, तो हम लोग उसी नाम से जानते हैं। तो कई सारे बच्चे भी बोलते हैं सर पिक्सॉक है आर्डोकॉप्टर है ये डीजीआई नाजा है, तो दे ऑल आर द थिंग्स दैट इज फ्लाइट कंट्रोलर, करेक्ट। ये आपको मोटा मोटी जस्ट लाइक ओवरव्यू है, ये सारा पार्ट इसमें समझने के लिए, फिर इसमें जाएंगे फिर मदरबोर्ड है इसका समझने के लिए, फिर AHRS है, ADU है, ये IMU है, तो बहुत सारा डिवाइसेज है। जब आप डिटेल में जब क्लास करेंगे तब ये ज्यादा जल्दी समझेंगे, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से और आप लोग खुद भी जज करोगे, इस ड्रोन में बहुत तो होगा 15-20 पार्ट है, 25 पार्ट है, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। अगर एक दिन में हम 3 या 4 पार्ट को भी अगर पढ़ेंगे, ठीक है, इसका मैं कहते 2-3 दिन में पूरा पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। सो दैट इज वाई ये पूरा जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने इसको रन किया है, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। गवर्नमेंट का ही सारा मॉड्यूल इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें जितना इसका एजुकेशन फ्रॉम बेसिक से लेकर के एडवांस तक का ये पूरे सिलेबस को उसने 10 भागों में बांटा, कितने भागों में, 10 भागों में। अगर 10 भागों की नाम बात करें तो आपको एक मोटा मोटी तौर पर आइडिया मिल जाए कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक आप इसके बारे में पढ़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कहाँ इसको उड़ाना है कहाँ नहीं उड़ाना है, कौन से जोन में उड़ाना है, कहीं कहाँ पे नहीं उड़ाना है, कितना हाइट तक लेके जाना है, कहाँ तक इसको लेकर के नहीं जाना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ते हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उसमें क्या होता है बेसिकली ये जो हमारा फ्लाइट फ्लाई करता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है नहीं लग रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जब नियर फ्यूचर में जब बहुत ज्यादा ड्रोन एक साथ फ्लाई करेगा उस टाइम पे क्या होगा ATC की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तब हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं ATC के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा जो ड्रोन होता है हमारा जस्ट लाइक एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट में क्या होता है बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, राइट, तो एयरक्राफ्ट बोलते हैं। अब ये छोटा सा वर्जन एयरक्राफ्ट के जैसा ही है, राइट, तो ऐसा ड्रोन भी आता है। सो दिस इज नोन एज फिक्स्ड विंग, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड विंग बोलते हैं। तो ये आपका फिक्स विंग और एरोडायनामिक्स, जो इसमें कौन कौन सा एरोडायनामिक्स काम कर रहा है, कौन कौन सा प्रिंसिपल इस पे लग रहा है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चौथा पांचवा जिसका ये आप लोग लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, ये ड्रोन, ये भी ड्रोन है और ये भी ड्रोन है। तो पांचवा जो टॉपिक पढ़ते हैं मल्टी रोटर और रोटर क्राफ्ट, उसके बारे में पांचवा नंबर टॉपिक में पूरा इसमें पढ़ते हैं। जो सिक्स नंबर टॉपिक है उसको भी पढ़ते हैं हम लोग, ड्रोन इक्विपमेंट एंड इट्स मेंटेनेंस। नाम से ज्यादा क्लियर हो रहा है कि ड्रोन इक्विपमेंट मतलब जो जो इसका पार्ट्स है, जैसे मोटर है, प्रोपेलर है, ESC, फ्लाइट कंट्रोलर है, इसके बारे में पढ़ेंगे और उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, राइट। इसमें जो आपका ड्रोन में 95% पार्ट्स है, अगर कुछ भी टूट गया फूट गया, ठीक है, वो रिपेयरेबल नहीं है, वो पूरा तरीके से क्या रिप्लेसेबल है, उसको तुरंत बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोपेलर टूट गया फेरी क्विक लाइन चिपका करके फ्लाई कर दिए, है ना, मोटर खराब हो गया चले गए पंखे वाले के भैया इसका मोटर बदलवा दो, नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं है। तो 90-95% इसका पार्ट्स क्या रिप्लेसेबल है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो सिक्स नंबर टॉपिक है। सातवां जब आप इसको जाओगे फ्लाई करने के लिए ग्राउंड पे, तो कई दफा पे हवा बहुत ज्यादा तेज होगा, कई दफा पे मौसम आपके साथ फेवरेबल नहीं होगा, कभी बारिश हो जाए, कभी बर्ड एक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो वेदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो टॉपिक नंबर 7 होगा, वेदर एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है।
जो टॉपिक नंबर 8 होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि रिस्क असेसमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मूल्यांकन करना और उसके बाद उसको मैनेज करना, प्रबंधन करना। उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज है किसी ड्रोन को लेकर आपके कैंपस में फ्लाई करने के लिए, ठीक है, अब अचानक से देख रहे हैं कि वहां पे हवा बहुत ज्यादा तेज हो गया, तो हवा का तेज होना हमारे लिए क्या खतरा है या नहीं है? ड्रोन हमारा गिर सकता है। अब उसको मैनेज कैसे करेंगे उस खतरा को, या तो ड्रोन को नीचे लैंड करवा ले या तो हवा कम कर दे। हवा कम करना हमारे हाथ में नहीं है, ड्रोन को लैंड करवाना क्या है हमारे हाथ में। इस तरीके से सारा मैनेजमेंट करेंगे। कई मान लो बर्ड एक्टिविटी बढ़ जाता है, कई बारिश होने लगा है ना, सो दीज आर द थिंग दैट विल कवर इन ड्रोन रिस्क असेसमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट, टॉपिक नंबर 8। 9 में पढ़ेंगे जो भी मैम बता रही थी, सर बता रहे थे, जो जोमेटो स्विगी ये सब जो करता है पेलोड, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पेलोड। पेलोड का अगर सिंपल सा भाषा समझो तो पे एंड लोड, मतलब ऐसा लोड जिसके लिए हमें पे मिलता है, जिसके लिए पैसा मिलता है। जाहिर सी बात उसी के लिए तो ड्रोन कंपनी आया है, नहीं तो किसको शौक ऐसी हवा उड़ाने का, तेल जलाने का, बैटरी खरीदने का, ड्रोन खरीदने का, राइट। तो हर एक चीज उससे लिफ्ट किया जा सकता है, यहाँ से वहां एयर लिफ्ट करेंगे, सो दैट इज नोन एज बेसिकली पेलोड। पेलोड आपका कुछ भी हो सकता है, हो सकता है जैसे ये डिलीवरी बॉक्स लगा है, इसमें हो सकता है आप कोई मेडिसिन डिलीवर कर दो हिल एरिया, शिमला साइड, गाटलिंग साइड जहाँ पहाड़ है, नीचे आने में उसको बेचारों को 2-3 घंटा लगेगा, है ना। अब किसी को इमरजेंसी है, कुछ दवाई देना, यहाँ से लोड करो, ट्रैक फ्लाई कर दो तुरंत, है ना। सो दिस टाइप ऑफ थिंग दैट इज नोन एज पेलोड। पेलोड आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे ये बॉक्स ट्रे बना दी लोड करने के लिए, और इस ड्रोन में जो है ये जो लगा उसको भी बोलते हैं पेलोड। इसका मतलब कोई भी कैमरा है, सेंसर, ये भी आपके लिए पेलोड है। अब ये पेलोड कैसे कहा लाएगा, किसी का शादी विवाह है, लेके चले गए इस ड्रोन को, शूटिंग कर लिया, फोटो खींच लिया, आया ना, अब वो आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये लोड आपको पैसा दे रहा है, तो दिस इज नोन एज पेलोड, ठीक है। किसी प्रकार का कोई गिम्बल लगा लिया जिससे आप काम कर रहे हो, सो दैट इज बेसिकली पेलोड, कोई दिक्कत। और दसवां क्या होता है, जब आप लोग पढ़ेंगे अभी एग्रीकल्चर में काम है, सर्विलांस में काम है, सर्वे में काम है, मैपिंग में पा रहे हैं, मैपिंग में भी इसका काम यूज है ना, सो दैट इज नोन एज ड्रोन डेटा एनालिसिस। बीइंग अ पायलट, जब आप पायलट बनोगे तो ऐसे तो नहीं कि आपको कंपनी हम रख लेके जाओ बेटा जाओ ग्राउंड में जाओ इसको 2 घंटा फ्लाई करके आओ, उसमें कुछ तो आपको काम देंगे, या तो डिलीवरी का काम देंगे, सर्विलांस का काम देंगे, या तो कोई बोले कोई डाटा कलेक्ट करके लाओ, या फिर कोई मैपिंग करके लाओ। तो जो आप डेटा लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो बीइंग अ ड्रोन पायलट आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि आप जो चीज लेकर के आ रहे हो सही है या नहीं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे अवनीश भैया अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता चले पीछे से ना लेकर के वो आगे लिए हैं, या फिर दिखना चाहिए ऐसे और दिखा के रखे हैं ऐसे, तो ये जब ये पायलट होंगे तो इनको ये मालूम है कि फोटो खींच रहे तो हमें ऐसे रखना है ना। जब आप अपना ड्रोन का जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तब अपना सारा डाटा देखोगे, जब आपको मालूम ही नहीं कि हमको डाटा कैसा लेकर जाओ, तब तो कुछ भी लेकर चले जाओगे, तो वो टॉपिक नंबर 10 में करोगे। ये पूरा का पूरा ओवरऑल पूरा सिलेबस है, जिसमें से 5 टॉपिक हम फर्स्ट डे कवर करेंगे और 5 टॉपिक सेकेंड डे कवर करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड डे होगा उसके बाद हमारा थ्योरी के बाद जस्ट लाइक जाएंगे, इस ड्रोन को पहले सिमुलेटर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। सिमुलेटर पे ड्रोन को मर्जी कितनी बार, मतलब 100 बार भी क्रैश कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया ना, कंप्यूटर पे। लेकिन रियल लाइफ में जाओगे ग्राउंड पे, अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, एक बार गलती से क्रैश लैंडिंग हो गया, वो ड्रोन दोबारा उठने के काबिल नहीं होगा, आया ना, होगा होगा नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई सिमुलेटर इज वेरी नेसेसरी बिफोर डूइंग द प्रैक्टिकल फ्लाइट। तो थर्ड डे आपका ये होगा। फोर्थ एंड फिफ्थ डे इसको लेके जाएंगे ग्राउंड पे, जो आप प्रैक्टिस किए हैं इसी का एक्चुअल कलाबाजी दिखाएंगे फील्ड पे, जब आप उसको खुद फ्लाई करोगे, एक्चुअल में फील करोगे, आया ना, उस चीज को करेंगे फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। ये 4.5 घंटे की प्रॉपर, 1 घंटे 4.5 घंटे की जो फ्लाइंग होता है प्रॉपर पर कैंडिडेट के हिसाब से, डीजीसीए गाइडलाइंस के हिसाब से। जैसे मान लो आप मेरे जैसा कोई कमजोर स्टूडेंट रहा, ठीक है, 4.5 घंटा में नहीं सीख पाया, वो कहता है सर जी हमें आधा घंटा और चाहिए, हम कहते हैं आधा घंटा नहीं तुम बल्कि 10 घंटा ले लो, जब तक तुम परफेक्ट नहीं होगे तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये 4.5 घंटा गवर्नमेंट का फाउंडेशन है, ठीक है, तो 4.5 घंटा तो करवाएंगे ही करवाएंगे। उसके बाद अगर मान लो कोई इसको ऐसा लगा कि सर हम आज तक तो रिमोट नहीं पकड़े हैं, आज तक तो कोई वीडियो गेम नहीं खेले हैं, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, सबसे होगा। आप 4 घंटा में नहीं करोगे, 6 घंटा में करोगे, 6 घंटा में नहीं करोगे, 8 घंटा में करोगे, 8 घंटा में नहीं करोगे, 10 घंटा में करोगे, लेकिन जब तक करोगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो ये पूरा होने के बाद 5 दिन के बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा डीजीसी के हिसाब से, प्रॉपर एक लॉग बुक मिलेगा आपको, और उसके बाद आपका नाम डिजिटल स्काई पे पूरा जाकर के रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन कैंडिडेट होंगे उनका 10 से 15 दिन के बाद दिखेगा, जो लोग पासपोर्ट वाले होंगे उनका नाम तुरंत दिखेगा। जैसे सपोज दैट अगर हम बोलते कि हम भी एक ड्रोन पायलट है, ठीक है, फर्जी पायलट है, हम कहेंगे फर्जी पायलट मेरा नाम चेक करो, आया ना, हम अपना लाइसेंस दिखाएंगे और कहेंगे जाओ डिजिटल स्काई पे मेरा नाम डालो कृष्णा कुमार, मिल जाए तब तो समझोगे ना कि ओरिजिनल पायलट है, आया ना। तो ये एक ऐसा भी इंडस्ट्री बना है जो कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। क्या है इसका मतलब, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंसी इसका मतलब क्या हो गया कि हम किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन छिपा ही नहीं सकते,
समझ रहे हो, ये बोल दे कि मेरा ड्रोन है, ठीक है, थोड़ा भाड़ा पर लेके आया मेरा ड्रोन है, हम कहेंगे मेरे नाम से जरा चेक कर लो इसका UI, तो डिजिटल स्काई पे जाओगे, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, देखो कृष्णा कुमार का नाम से, इसका मतलब सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, सच बोल रहा है, आया ना। लेकिन अगर मोबाइल का, अगर हम बोले कि ये फोन मेरा है, तो बोले यार किसी और से मांग करके लाया हूं। अब इस चीज को हम भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि मेरा मोबाइल है या नहीं, आया ना, लेकिन इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक चीज बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, आप यहाँ पे आए हो सकता है, बहुत सारे सेंटर फर्जी भी चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे दिया जाएगा, आपसे पैसा भी ले लिया जाएगा, बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और वो कहीं रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। तो इवन आप ऐसे जो सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर को भी चेक कर सकते हो कि आप जिस सेंटर में आए हो भैया, वो उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है या नहीं किया है। तो आप एक सेंटर को अप्रूव कर चेक कर सकते हो कि अप्रूव है कि नहीं, एक ड्रोन को चेक कर सकते हो कि जिस ड्रोन पे हमको ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो ड्रोन इतना काबिल है या नहीं है कि जो हमको सिखा सकता है, ठीक है। तो हर एक चीज बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। बात करके जब आप लोग ऑन बोर्ड हो गए इस चीज में, तो और ज्यादा डिटेल में सीखोगे, अभी तो 15-20 मिनट मिला तो अच्छा खासा मिल गया, एक ओवरव्यू मिला या नहीं मिला। अब आपके मन में जो भी डाउट हो, ठीक है, चाहे ड्रोन से हो, चाहे एविएशन से हो, चाहे रिलेवेंट हो, चाहे इररिलेवेंट, अगर मन में एक छोटा सा डाउट भी है तो पूछ लो, क्योंकि इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि आज के बाद हम आपसे मिलेंगे नहीं। अगर मान लो कुछ कैंडिडेट अगर नहीं आएंगे, मेरा दोबारा मिलना नहीं है, स्टूडेंट वाला अकेडमिक नहीं है कि अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ दे बोलेंगे अच्छा ये तो टफ क्वेश्चन भेजा था, इसका नंबर तो काट लेना, राइट। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तो आपके मर्जी में जैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे एकदम बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन हो, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो, मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो, रिलेवेंट हो, इररिलेवेंट हो, जैसा हो पूछो आराम से, फील फ्री टू आस्क। एक्चुअली क्या है, हम इस फील्ड में, ड्रोन फील्ड में पिछले 2 साल से, जब से ये इंडस्ट्री आया तभी से हम इस फील्ड में हैं, और जो टीचिंग जो मेरा प्रोफाइल है, हम आज से नहीं, पिछला 10 साल से टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 14 साल की उम्र में थे तभी से हम टीचिंग करते आए, ठीक है। जब हम 10वीं पास किए थे तब 10वीं को मतलब पढ़ाए थे, 12वीं पास किए 12वीं वालों को पढ़ाए, ग्रेजुएशन पास किए तो ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाए, जब कंपटीशन का तैयारी करते थे तो कंपटीशन वाले को पढ़ाए, जब पायलट की प्रिपरेशन में आए तो पायलट वाले को पढ़ाए, जब ड्रोन के फील्ड में आए तो ड्रोन वाले को पढ़ाए। तो मेरा बड़ा कंटिन्यूअस रहा है, ठीक है, लाइफ। और एक सिंगल मोटो चीजें मेरे लाइफ में, दो चीज मेरे ब्लड में, दोनों चीजें, एक टीचिंग और दूसरा एविएशन, दोनों से मेरे को बहुत ज्यादा लगाव है। आप मेरे को खाना नहीं दोगे 4 घंटा चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे को एविएशन से अगर 2 घंटा के लिए दूर करोगे मेरे को दर्द होगा, ठीक है। कई दफा ऐसा होता है कि आप हर जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आप उस जगह पे आप हमेशा खुशी मतलब खुशी मन से काम करो, होता है कई दफा पे हमारे साथ भी होता है, हमको लगता है चल ठीक है ये बैच आया ना, इसको तो सिलेबस ऐसी रद्दी फाड़ देंगे, उड़ा देंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। अब वो चीज आपको सोच रहे कि उड़ा देंगे, लेकिन जब आते हैं तो लगता है अच्छा इसका क्या कसूर है, तो बेचारा पैसा देकर आया पढ़ने के लिए, हाँ ना। आज सेम चीज पूछो, आज इनका क्लास आधा घंटा के लिए डिले हुआ, जो हमारे 3 बच्चे आज ऑन बोर्ड है जिनका क्लास चल रहा है, आए अब क्लास ऑन बोर्ड हुआ, लेकिन इन लोगों से पूछो एक सिंगल टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, पिछला 2 घंटा से वही पढ़ा है, इज इट करेक्ट? यस सर। और ये बच्चे यहाँ पे पूछ लो 1% डाउट, ये हमारे इन हाउस बच्चे हैं जो कि यहाँ पे करते हैं, एकेडमिक के बच्चे, आप लोगों से बहुत सारे बच्चे 1 घंटे क्लास नहीं ले सकते, राइट, कंटिन्यूअस 2 घंटा क्लास तो ना 40 मिनट बहुत हो गया, आप गारंटी ले लो मेरे से, मैं आपको 8 घंटा पढ़ाऊंगा और लगातार पढ़ूंगा, और कोई यहाँ से सिर्फ वॉशरूम करने के अलावा कहीं नहीं जाएगा, और खाने के अलावा, खाना खाएगा, वॉशरूम जाएगा, फिर उसके बाद आके बैठ के पढ़ेगा। सो इट इज माई पर्सनल गारंटी, और ना समझ में आने की गारंटी 0%, और समझ में आने की गारंटी पूरे 200% हमारे तरफ से, ठीक है। अगर नहीं होगा तो पैसा मेरे से पर्सनल रिफंड करके लेकर दिया मैं 5 दिन के बाद कि सर आपने पढ़ाई कुछ समझ नहीं आया। और हाँ, सेफ्टी पॉइंट्स ऑफ व्यू जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आप जब ग्राउंड पे जाओगे, सपोज दैट इस ड्रोन को लेकर के हम जाएंगे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर प्रैक्टिकल फ्लाइंग पे, ये गाड़ी में लेकर के जाएंगे आपके साथ, आपको भी गाड़ी में लेकर जाएंगे, हो सकता है कहीं धक्का मुक्का लगा है ना, तो इसका एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट बना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप जाओगे इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन में क्या बोलते हैं, इसको सबसे पहले प्रोपेलर चेक करेंगे, अच्छा कहीं कोई डैमेज तो नहीं, नहीं प्रोपेलर तो ठीक है, उसके बाद मोटर चेक करेंगे सारा टाइट तो है कि नहीं है, फिर उसका लैंडिंग गियर टाइट करेंगे, लेकिन पेलोड तो खराब तो नहीं है, कहीं बैटरी भी चेक करेंगे हमारा फुल चार्ज है या नहीं। उसके बाद जब आप सिस्टम को जब आप ऑन करोगे, जब आप इसको जीसीएस बोलते हैं इसको, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन कुछ भी हो सकता है, ये हमारा फोन भी हो सकता है, ये लैपटॉप भी हो सकता है, कोई पीसी भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा आरसी जिसमें ये पीसी में ये स्क्रीन बना हुआ है, इसमें क्या है स्क्रीन बना हुआ है, ये स्क्रीन भी आपका क्या है जीसीएस है, तो जीसीएस हमारा फोन भी हो सकता है, ये स्क्रीन जीसीएस हो सकता है, ये लैपटॉप हमारा जीसीएस हो सकता है, इसका मतलब होता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जब हम फ्लाई कर रहे हैं वो सारा डाटा हमको कहाँ दिख रहा है, अगर फोन में दिख रहा है तो फोन हो गया जीसीएस, इसमें दिख रहा है तो ये हो गया जीसीएस,
वो दिख रहा है, तो उसमें भी डीसी है। उसके बाद इसका सेफ्टी पैरामीटर इतना हाई है क्योंकि एविएशन में हर एक पॉइंट का रिडेंसी 7 पॉइंट होता है, मतलब हर एक चीज के लिए क्या बैकअप है। ठीक है, अभी ड्रोन तो बहुत 2-3 साल से इसके ऊपर इंडिया में मतलब काम होने लगा है, आने वाले टाइम पे हर एक चीज, जैसे आप एविएशन जाओगे ना, एविएशन में दोनों इंजन फेल हो जाता है, दो दो इंजन होता है ना हवाई जहाज में जो लटका हुआ होता है इंजन, वो भी एक इंजन 250 करोड़ रुपए का आता है। अगर दोनों इंजन फेल हुआ था 250 करोड़ का जब सामान फेल होता था, तो 2.5 लाख का सामान का फेल होना तो कोई नॉर्मल सी बात है ना, उसका भी 7 पॉइंट होता है। फिर भी पायलट जब इंजन फेल हो जाता है, फिर भी पायलट क्या करता है, उसको सेफली लैंड करता है कि नहीं करता है। सो जब इसका जब ड्रॉबैक्स आएगा, जब आप ग्राउंड पे जाओगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, इसको बचाना कैसे, इसको सेफली लैंड कैसे करवाना, क्योंकि ये सस्ता शौक नहीं है, बहुत महंगा शौक है। ये ड्रोन 5 लाख रुपए का, ये ड्रोन 5.5 लाख रुपए का है। ये ऐसा नहीं कि मार्केट में गए उठा के जी मोबाइल खराब हो गया चलो रिपेयर करवा ले, 100 रुपया दे चार्जिंग पॉइंट बदल दिया। इसका चार्जिंग सॉकेट भी खराब होगा, 10-15 हजार रुपए का बिल आएगा। ये प्रोपेलर जो आप देख रहे हैं 10-10 हजार रुपए का प्रोपेलर है, समझ लो कि महंगा शौक है। तो सेफ्टी पॉइंट जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड होगा, तो हम लोग आपको सारे सेफ्टी पॉइंट बताएंगे, सारा स्टैंडर्ड एक से लेकर के टॉप से लेकर के, आपको कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। हम स्टूडेंट को फ्लाई कर रहे हैं, आज तक इवन सिंगल क्रैश नहीं हुआ पिछले 3 साल से, ठीक है, कोई क्रैश नहीं हुआ इससे, ना इससे हुआ ना इससे हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ। मेंटेनेंस है, सेफ्टी पॉइंट का ध्यान रखते हैं, बस ठीक है, हो जाता है। और कोई पॉइंट? हाँ दोस्त, इधर से कोई पूछा? हाँ, ये डिपेंड करता है कि ड्रोन पे, ठीक है, अगर मैक्सिमम, जैसे अगर इस ड्रोन की बात करें तो ये 2-2.5 किलो तक का पेलोड उठा सकता है, इसकी बात करें तो 2.5 किलो तक उठा सकता है। जब मीडियम कैटेगरी में जाते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर से मतलब स्प्रे करते हैं बैठे हो, उसमें क्या करते हैं 10-10 लीटर पानी, 15-15 लीटर पानी या जो स्प्रे होता है उसको लेकर के कैरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ड्रोन एंड कैटेगरी, ठीक है। हो सकता है सब लोग, हम लोग इंसान है, स्टूडेंट है, राइट, कंसिडर में हम भी एक स्टूडेंट है, हो सकता है हम 50 किलो वाला बोरा उठा के चल दिए और कोई पतला वाला को उठा ले 25 किलो वाला उठा के ले, तो उसका शरीर के हिसाब से भाई हाँ दीजिए आप, वो 5 किलो का उठा के चलेंगे, हम 50 किलो का उठा के चलेंगे, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्रोन कि वो कितना पावरफुल है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, और आपने कहा था कि जैसे अमेज़न या किसी का आपने डिलीवरी करना हो तो कहाँ पे रखेंगे सामान? अब उसके लिए बॉक्स भी बनाया जाएगा। अब ये मान लो इस वाले ड्रोन में बैटरी कहाँ, ट्रे कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, राइट, इसमें बैटरी लगा दिया। अब इस वाले ड्रोन का बात उठा है, ये वाला हमारा जिसमें पेलोड नीचे लगा हुआ है, बैटरी कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे मन होगा तो साइड में बॉक्स डाल देगा, इधर साइड में बॉक्स डाल देगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द ड्रोन, उस ड्रोन को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि 2 किलो पेलोड उठा करके ये ट्रैवल कर सके, राइट। तो मैन्युफैक्चरर बना देगा, आप जैसा अपना वो दोगे, क्या बोलते हैं, नीड आप उसको दोगे मैन्युफैक्चरर को, जी हमें ऐसा ऐसा जरूरत है, वैसा वैसा आपको क्या करेगा, सारा डिजाइन बना करके आपको दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम आप लोग पीछे से कुछ नहीं पूछ रही, या तो दो चीज हो सकता है, या तो सब कुछ समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आया, तो इसमें कुछ नहीं वाले में जरूरी नहीं कि सब लोगों को सब चीज समझ में आए, राइट, कुछ लोगों को कुछ नहीं भी समझ में आना चाहिए। हाँ इधर कोई क्वेश्चन? हाँ इधर, इधर मैन्युफैक्चरर के यहाँ से जहाँ मिलता है वहां से इसको लेकर गया। नहीं नहीं, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरर का अलग लाइसेंस होता है, ट्रेनिंग वाला का अलग लाइसेंस होता है, ठीक है, मेंटेनेंस वाला का अलग लाइसेंस होता है। तो एक आदमी सब जगह पे परफेक्ट नहीं हो सकता, हम लोग ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है, टीचिंग में एक्सपर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं है, बट आने वाले टाइम में उसमें भी हो जाएंगे। हमारे R&D टीम पूरे तरीके से काम करे 24 आवर्स, 4-5 घंटा सोने के बाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इधर कुछ उठा, क्या आपका इंस्टीट्यूट 100% ट्रीटमेंट देता है? अभी तक तो दिए, आगे का पता नहीं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग एक संस्था जो है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप सीख सकते हो, R&D कर सकते हो, जैसे कृष्णा ने समझाया, ट्रेनिंग कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, वो सब फैसिलिटी देंगे आपको। जो वर्ड गारंटी होता है ना, वो आज की डेट में किसी चीज की नहीं, सब आपकी अपनी काबिलियत है, और आपका गारंटी हम ले सकते हैं, बिकॉज इस क्लास में बैठे हुए बहुत कम लोग होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समहाउ दे आर समहाउ वेरी मच बेटर देन अदर्स, राइट, सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो आपका प्लेसमेंट डन, ठीक है, आपको इतना काबिल बना देंगे कि कंपनी वाले भी आपसे सीखेंगे। कंपनी वाले के पास हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में तब से काम कर रहे हैं जब इंडस्ट्री नई नई आई थी, ठीक है, और वहां और आपसे वही लोग पूछेंगे ना जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए लोग हैं,
ठीक है, जो मैनेजमेंट में जब शुरुआत में जब ये कोर्स आया था तो आपको लगता है चलो ठीक है, अगर ये 5 साल का कोर्स होता और आप ड्रोन के कंपनी का मालिक बनना चाहते, कहेंगे यार 5 साल कौन ही जाएगा झंझट, आया ना किसी स्टाफ को भेज दो अपने वो ट्रेन करके आएगा, मालिक को भी नहीं पता। अब 5 दिन का कोर्स है और आप ड्रोन में अपना अच्छा खासा पैसा लगा रहे, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे, तो बीइंग एज ए मालिक, बीइंग एज ए ओनर, आप आके पहले क्लास करोगे किसी और को करवाओगे? और यार 5 दिन तो हम टाइम मैनेज कर लें, क्योंकि मेरे साथ ताकि कोई एम्प्लॉय मेरा धोखा ना दे। तो हमने बहुत सारे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को, पहले वही लोग आए थे शुरुआत में, जब शुरुआत का 6 महीना था ना, सिर्फ मैनेजमेंट की टीम आते थे। अब मैनेजमेंट को भी हमारे द्वारा ही पढ़ाया गया है, जितना हम पढ़ाए हैं वो उसी से, वो तो कुछ ना कुछ अभी तक भूल ही गया होगा, तो उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा। और आज तक अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, सारे बच्चे से बात करते भैया क्या पूछा, बोलता जी आप जो पढ़ाए थे उससे बात तो पूछ ही नहीं रहा, वो वहां तक भी नहीं गया टॉप लेवल तक, हम बोले बस लो लेवल तक ही रहेगा। उसमें क्या पूछेगा, जोन पूछेगा, ड्रोन का कैटेगरी पूछेगा, सब कैटेगरी पूछेगा, मॉडल का कुछ जो क्लासिफिकेशन, जैसे इन लोग को पढ़ाया भी, पहला टॉपिक कितना मजेदार से पढ़ाए, राइट। और इसको इन लोग को यही बोले कि जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होगा ना, फर्स्ट नंबर टॉपिक जो आपको पढ़ाएंगे ड्रोन रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज द बेसिक, मतलब जो टॉपिक है पूरे ड्रोन इंडस्ट्री के लिए। और कोई भी इंटरव्यूअर का सवाल 90% जो सवाल होता है बस ये पहला टॉपिक से होता है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक करना, बड़े सावधानी से करना, समझ में आए तो ठीक है, अगर हम आपके बैच में ऑनबोर्ड होंगे फिर भी, नहीं होंगे फिर भी यही घूमते फिरते फर्स्ट फ्लोर से लास्ट फ्लोर कहीं भी दिखेंगे जब आप आएंगे, तो कहीं भी रोक करके 2 मिनट कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन सीरीज लेकर के आना और आराम से बैठा करके समझाएंगे, ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी ड्रेस कोडिंग भी है? नहीं, फॉर्मल जैसे आया वैसे हाँ, जब फ्लाइंग पे जाओगे तो डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, कंपनी आपको ड्रेस में प्रेजेंट करना चाहती है क्या, ये डिपेंड अपॉन कंपनी, बट यहाँ पे जैसे आओ वैसे ही आओ। दूसरा कपड़ा बस अभी आपका एक प्लेसमेंट का तो कैंडिडेट का 3 बार इंटरव्यू हुआ, 1 बार नहीं हुआ, फिर उसको सिखाया क्या दिक्कत है, दूसरी बार हुआ, अभी अभी मैसेज आया किसी को उसको करके, अभी आप हाँ इधर पूछते जब तक पीछे से आएगा नहीं, जब तक समाप्त करेंगे नहीं सेमिनार, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन चाहिए, कुछ ना कुछ तो डाउट पक्का होगा। हाँ इधर तीन और तीन मूर्ति ड्रोन की रेंज बेटर, मैं इसको समझाता हूँ। ड्रोन की रेंज जो है ना डिपेंड करता है हम पे, ठीक है, जैसे सपोज दैट इस ड्रोन की बात करें तो हमारा 2 किलोमीटर का रेडियस है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देना है तो हम 2 किलोमीटर दूर लेके जाते नहीं, ठीक है, तो हमने पहले ये वाला कहता जी कि हम तो 500 मीटर के अंदर ही ट्रेनिंग देते हैं, जाहिर सी बात है आपके आंख से ओझल नहीं होना चाहिए। प्लस ये ड्रोन जो हमने लिया है सर्विलांस के पर्पज से लिया, तो इस ड्रोन का जो कैपेसिटी है 5 किलोमीटर तक है, कितना दूर तक है 5 किलोमीटर तक, तो हमें अगर 2 किलो वाला नीड था तो हमने वो मंगा लिया, 5 किलोमीटर वाला नीड था तो हम ये मंगा लिए, ठीक है। हाँ जी दोस्त, सर आप कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक ही जा सकता है, पर हमारे आंखों से दूर नहीं होना चाहिए, पर इसमें कैमरा भी तो लगा है तो हम आगे भी तो ले जा सकते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, 5 किलोमीटर का दायरा ये नहीं कि आप इसको 50 किलोमीटर लेके चलेंगे, फिर आपको उस लाइट ड्रोन भी खरीदना पड़ेगा, हम क्या बता रहे इसका क्षमता 5 किलोमीटर तक है, नहीं समझ रहे हो, हम कह रहे हैं अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन का लिमिट 10 मीटर पर सेकंड हो गया, हो सकता है वो पतली वाली दीदी 20 मीटर पर सेकंड भाग है ना, तो ये डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है, क्योंकि आप अपना नीड जैसे बताओ, बोलेंगे हमें 10 किलोमीटर का काम है तो आपको 10 किलोमीटर रेंज वाला देगा। अब डिपेंडिंग क्या होता है, टेलीमेट्री पे सारा कुछ डिपेंड करता है, जिसमें जो हमारा लॉन्ग रेंज सिस्टम जो काम करता है टेलीमेट्री पे, अब टेलीमेट्री का रेंज होता है कुछ ब्लूटूथ का डिवाइस जो होता है वो 10 मीटर में छोड़ देता है, कुछ का 20 मीटर पर करता है, जब आप कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है 20 मीटर रेंज 30 मीटर रेंज लिखा होता है, नहीं होता है, सो दैट इज द सेम रेंज दैट इज ऑल्सो इन दिस। अगर आपको चाहिए कि नहीं हम तो फर्स्ट फ्लोर पे वो बॉक्स रखे और हमारा बाथरूम सेकंड फ्लोर पे, तो हम यहीं से बाथरूम से प्ले करें वहां पे, तो आपको अपना रेंज होना चाहिए, आया ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप अपना रेंज के हिसाब से आप अपने ड्रोन को खरीदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ उधर पीछे कोई क्वेश्चन, गुड मैम आपका कोई डाउट था ना, ओके थैंक यू, और इधर पीछे सर, हाँ सर आप पायलट बनने वाले हो तो आपने एरोप्लेन उड़ाया? हाँ हाँ कितने घंटे? 25 आवर्स। कहाँ से कहाँ? मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में, मतलब फ्लाइंग किया, नॉटिकल फ्लाइंग हम लोग का होता है, एयरपोर्ट को सर्किट डायग्राम भी बोलता है, आई हैव माय लाइसेंस आल्सो, आई कैन शो यू आल्सो, एसपीएल है हमारे पास, एफओटीएल तो हमारे पास ही पड़ा होगा, उसमें हम हेलीकॉप्टर के पार्ट के ऑपरेट भी कर सकते हैं, यदि किसी बच्चा कोई लाइसेंस दिखाने के लिए अभी यूज किए थे, राइट, किसको दिखाए, तुम लोग कुछ दिखाते हो, तो अगर चाहोगे तो मैं सारा लाइसेंसिंग वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है, तो मैंने फ्लाइट किया, डोंट वरी, यू आर इन अ सेफ हैंड, डोंट वरी।
नहीं होता है जब हम लोग प्लेन में बैठते हैं ना, अगर पायलट ही दिख जाएगा यार मरा हुआ तो लगता है कि इस पे चले कि नहीं चले, इस पे थोड़ा अगर आपको अगर कैप्टन और पायलट ही मतलब अनकॉन्फिडेंट दिख जाएगा तो आप अगर छोड़ो हटाओ बस ये ठीक था ट्रेनिंग ठीक था पता नहीं अपना भी जाएगा हमको भी लेके जाएगा राइट। सो पायलट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड डोंट वरी यू आर इन अ सेफ एंड यू आर एट अ राइट प्लेस। मैं आपको पर्सनली मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा आर्पिटर में भी काम किया है, दिस इज द बेस्ट प्लेस। So that is why I have stayed here from the last 2 years. बहुत अच्छा जगह है। I have cracked most of the interviews in the IIT में वगैरह बहुत सारे जो ड्रोन का है वहाँ भी मैंने क्रैक किया, मेरा इंटरव्यू भी हुआ, सर भी यही है, मेरा सिलेक्शंस भी हुआ, बट इन स्पाइट ऑफ दिम यहाँ का जो माहौल है वर्किंग कल्चर है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे वर्क फ्रीडम है, अच्छा से काम कर, ये नहीं अगर और जगह क्या होता है ना कि 4.5 घंटे का ड्रोन किया ना, अगर वो बच्चा नहीं सीखा 4.5 घंटे में खत्म कर दो ना, सीखा नहीं सीखा हमें क्या लेना देना है, तो अरे क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ पे, क्या कि नहीं जी जब तक सीखा नहीं जब तक उसको छोड़ो नहीं, जब तक छोड़ो ही नहीं, ये यहाँ का मतलब एक मार्का सेट है, करें कि हमारे एंड से वो हमारा पैसा जा रहा है ना, वो हम आपको दे रहे हैं सैलरी दे ही रहे हैं, आप काम करो बच्चों को सिखाओ, जब क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होकर जाओगे आप अगला मार्केट में हमारा नाम खराब करोगे नहीं करोगे, तो यार वहाँ तो गए थे ना बस ऐसे ही फोरम जैसा कर दिया चला गया, इज इट और नॉट, तो यू आर वेरी सेफ एट होम। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फीस विल बी डिस्क्लोज टू द डिपार्टमेंट। और मतलब इतना इंडिया में मतलब बेस्ट और लोवेस्ट दोनों हमारा मार्क है, बेस्ट और लोवेस्ट ठीक है, बात आके अभी हमको देख करके तो कॉन्फिडेंस जग गया होगा राइट, वेरी गुड। हाँ इधर कुछ टाइमिंग बेटा 5 दिन के लिए आप आओगे पूरा बुक आओगे, रात को आप बोलेंगे शाम को 5 बजे, सो फ्रॉम 5 to next 10 आप फ्री हो, मतलब कि 9 to 5 आप यहाँ हमारे। हाँ फॉर्म भरे आराम से भरो ठीक है, 1 सेकंड जब हमने समाप्त नहीं किया तो कैसे उठ रहे हो, कॉलेज के बच्चे हो बताओ, कई सेमिनार करने तो वो ये इशारा क्या कर रहा है, हमको इशारा करो ना सर समाप्त करो। हाँ जी बताओ। अच्छा देखो 1 सेकंड के लिए नौकरी तो खाएगा आप, आप देखिए जब पब्लिक क्या चाहते हैं, आपका समय जो डिलीवरी है वो 5 मिनट में है 50 मिनट में है, कस्टमर पहले दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पहले अभी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आप चाहते हैं कि पिज्जा ऑर्डर करते हैं 15-20 मिनट में आते हैं जब तक तो ठंडा हो जाता है, तो आप चाहते हैं 5 मिनट में गर्म गर्म पिज्जा डिलीवरी हो राइट। दूसरी बात अब ये एक ड्रोन गया डिलीवरी करने के लिए, जिसको जिसको अर्जेंट है 2 मिनट के अंदर वो अपना खाली कर, बाबा के जिसको अर्जेंट है वो बैठा रहेगा अपना डाउट पूरा कंप्लीट करके जाओ, जो 3 लोग 4 लोग जाना चाहते हैं ऐसा नहीं कि सबको अर्जेंट होगा, गलत बात। हाँ जी मैम